दोस्तों आप देख सकते हैं हम घूमने आए हैं और ये सब देखो हम महेश मामा के फ़ोन से व्लॉग बना रहे हैं। मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ कि हंसते रहो हंसाते रहो जो चीज़ दिल से बुरी लगे उसे दिल से भुलाते रहो। सबसे पहले आप सभी दौड़ों तो मेरे प्यार नमस्ते, मैं महेश भंडारी आप सभी दौड़ों को अपने यूट्यूब चैनल दड़े ब्लॉग्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत पहाड़ की हसीन वादियों से। तो दोस्तों नए दिन की नई सूरत के साथ कुछ विचार कर दूँ और कुछ दिखाने को प्रयास कर दूँ। तो अभी मैं छापड़ा गाँव का बैंड से थोड़ा इधर और आज मेरे जाने की तैयारी होनी चाहे अपना पूर्ण उमा चाहे हमारी धान की खेती बुती इंच धान बुती इंच। तो आज मैं और मेरी माँ माँ तो चल गई ना और फिलहाल मैं अकेले अकेले से जाऊँ अभी। तो आज वो जाना छा और थोड़ा बहुत दिखना क्योंकि काम कर तो मैं आपसे दिखाने का प्रयास कर लूँ। दोस्तों कुछ मौसम में अपडेट दे दूँ तो मौसम कुछ इस प्रकार रोचा सुबह सुबह बहुत तेज बरखा हवा आया और अब देख सामने लोग बादल भी लगे थे और समय आप थे कि दुनिया ने कोई और दिखाने बोलूँ तो ये देख सकते हम लोग आज मौसम में अपडेट चा अभी हूँ टाइम 10 बजे छिन्न और देख सामने लोग कि खूबसूरत मौसम पहाड़ों का बीच और कि खूबसूरत पहाड़ में आए छन। तो दोस्तों ये हमें पूर्णिमा माँ लड़े की जख हमारा सटी बुतियाँ छिन और देख पिछना मेरी माँ पूर्णिमा मतलब जो खोड़ लो तो पुणी चा और मैं समय इना कनवाल छो हम बाढ़ यानी कि लोगों का गोर उजाड़ाना छे हमारा पूर्ण तो हम बाढ़ कनवाला छा इना तरफ भी और समय जना माँ छिन उना तरफ भी हम बाढ़ कनवाला छा मी और मेरी माँ तब दिखा दो मेरी माँ की कहनी छिन माँ छिन और माँ क्यों पुणी दो झंगोल पुणी माँ झंगोला गांठ तीर तिर तो माँ कूट रही चा और माँ तीर तिर झंगोला गांठ वाल चा तो माइक हमारे यहाँ क्या छो न हाँ तो देखो बाढ़ कन को और झंगो लगाणु तो तेसला लोग हमारे जो फसल सटी की यंचा आपन मेरा पहला ब्लॉग में देख लो जहाँ हम एक बुतना था जय ने देखी एक बार जरूर दिखा और क्या हिसाब से हम लोग हॉल लगे छो कल मेहनत क्या है तो दौड़े ना समय हमारे बाढ़ करना है कि लेकिन जो बिस्ट वालों का गोर छे ना वो सभी हम पूर्ण आना छे उजाड़ यानी कि जो हमारा सट्टी छो सब खेनूला तब मिला मालिक बाढ़ करने तब बने रहे ब्लॉग माँ लास्ट तक आपसे दिखन दे रोलूँ और कुछ विचार कर लूँ। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में तोड़ा मिला और माल किया लिखम बाढ़ ताकि सुंगुर भी नहीं सकला यानी जंगली जानवर भी नहीं सकलू और गोर गोर भी नहीं लगे का और समय माँ का देना ठीक कांडा ये देख सब लोग हम कांड रखे छे माँ का और माँ बुना कनी बाढ़ थोड़ा बहुत देखा ना घाम भी लगी चा और ऐंच हमारा गाँव जो ना बादल लगे छे देखा ठीक समय ऐंच बादल लगे ना तो बरखाने की संभावना तो छे छन तो दौड़े माफी चलो मेरे आपसे बतिया नीचे क्या हिसाब से बाढ़ का है कि लेकिन मी और माई छापूँ ना तो बाकी हम दू थोड़ा बहुत बाढ़ किया लिया ले तो अब मैं चल दूँ घर तरफ और माँ आली इना बटे ने झंगूर लगेगी थोड़ा बहुत झंगूर चा तो माँ तुम बाद मारना तो मैं जान दूँ यानी कि भात बना दूँ और तब तो दौड़े मैं मुझे सबलू और झूला जो मेरे बाढ़ खनों ले छा तो फिलहाल जो मेरे ब्यारो ब्लॉग चाहो थोड़ा लेट आलो माफी चलो लेट आने कारण ये कि मेरे पर डे जो 2 GB नेट मिल रहा वो ख़त्म ही गया और मेरे जो ब्लॉग अपलोड करूँ डाली छो रुक गया है तो मेरे ब्यारो ब्लॉग थोड़ा सा लेट आनु चा वहाँ मैं माफी चलूँ और अब मैं जान सो घोरा की तरफ तो मैं आप लोग एक शायरी सुनाना चाहूँ छो उन तो आप लोगों बहुत बार सुनी होली पर थोड़ा सा मेरे कुछ एक दो लाइन अपने तरफ से मिले छिन कुछ लाइन इन प्रकार छिन कि हंसते रहो हंसाते रहो जो चीज़ दिल से बुरी लगे उसे दिल से भुलाते रहो। कभी आप लोग भी हमारे जैसे कुछ पल गांव में आकर ऐसे ही बिताया करो। तो दोस्तों मेरा इसमें बोलने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हम अपने गाँव में रह के अपने जीवन जी रहे हैं और अपने डेली का रूटीन आपको दिखा रहे हैं तो उसी प्रकार आप लोग भी गांव में आइए गांव में आपका घर होगा अपने घर में आइए और अपने गांव गुठार की यादें ताज़ा कीजिए। जो लोग पलायन कर चुके हैं खासकर उनको भी बोलना चाहूँगा और जो लोग आते जाते रहते हैं उनको भी बोलना चाहूँगा बाकी मेरे इसमें कुछ गलत मतलब है नहीं
अगर आपको ये चंद लाइन पसंद आएंगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना और अपने गांव गुठियार की याद ताज़ा ज़रूर करना दोस्तों। ये ब्लॉग मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि अपने जो दूर दूर हमारे गांव के हमारे उत्तराखंड के लोग जो बाहर रहते हैं उनको दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे गांव में ये हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में ये हो रहा है। बाकी दोस्तों आपको नई नई चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। और अपने इस छोटे भाई को एक बार सपोर्ट ज़रूर करना, तुम्हारा छोटा भाई, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो एक दिन मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाऊंगा जो चीज़ मैंने खुद भी ना देखी हो, क्योंकि अभी मैं बहुत सी जगह नहीं जा पाया हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ें दिखाने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों मैं आ गया था खेत से और अब मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए अपने धारा, और आप लोग मेरे धारा तब मेरा ब्लॉग मत दिख दे होला। तो वैसे मेरे सवेरे को डेली की रूटीन चाहिए धारा जानों को, तो आज कुछ नए लोग छिनमी लड़े पिछना बड़े मेरे सब्सक्राइबर है दीदी लुधियाना बटे नए ने, और पिछना टुन्नू और गुन्नू और टुन्नू बुल्ला। तो आज हम पंद्रह जाना था नियाणु को, थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो देखो आप पंद्रह सीन दिन माँ। आज बहुत दिनों के बाद भीड़ दिखाने हमारा धारा में समय हम धारू और एक नियाणा है छम और समय लुधियाना वाले सब्सक्राइबर और टुन्नी गुन्नी पुनी कहना गया वो आज समेट पान बुनी अभी नहीं की जाने आराम से। और समेट देखा आप लोग फिर से मौसम चेंज हो गया, घाम लग गया ना देखा आप लोग ठीक, और ऐच आसमान में बादल थोड़े बहुत लगेंगे किसी ने तो थोड़ा नहीं ना। हेलो गाइस कैसे हो सब लोग? अच्छा सोलह दुनी बाईस। जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे यूट्यूबर जी पानी लेके आते हुए, कैसा लग रहा है यूट्यूबर जी? बढ़िया यार भाई, उनको पकड़ने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए मैं पहली बार अपने नानी के गांव आया हूँ। ये मेरे नानी का गांव है और वो मेरे नानी का घर है। अच्छा तो पहली बार दोस्तों ये अपने नानी के गांव आ रखा है और नानी का घर ये है उसका, जहाँ उसकी नानी का वार्षिक कार्यक्रम था। तो ये इस गांव में पहली बार आया है तो मिलाते रहेंगे और कुछ बताते रहेंगे। तो दौड़ो एकदम भी थे नींद के छः बज गई श्यामे की, मतलब लगभग छः बज गई होली और मैं जो अपना गांव का छोटा बजू लड़े सड़क ना घूमने को। तो फिर से एक बार मेरे कन्नू फिर पिछना कन्नू और बोल कन्नू भी स्कूल खुल जाना है, लेकिन जुलाई महीना लग गया तो सभी बच्चों को जो पिछना दिखाना लाभ ना इना बच्चा समझो यूँ सब उनकी स्कूल खुल जाना बोल रहे ना। तो बोर्ड फिर जो हमारी रोड छा हमारे गाँव छा बिल फिर सुन जाना, मतलब जब छोटा बच्चा रहने तो जरा मजा भी आता तो वो सब स्कूल जाना छे ना। और कन्नू कल जा जाएगी ना? हाँ। तो क्या बोलना चाहेगी तब तू जाते जाते तब कब आएगी? मैं आऊंगी फिर जून जुलाई में। जून जुलाई नहीं, सितंबर नहीं अक्टूबर में। तो क्या बोलना चाहिए सब्सक्राइबर के लिए? हाथ उठा दे जरा सर, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। तो दगड़े यूज नंबर गाँव का छोटा छोटा अरे हम ओपन जिम ओखने बनाइए देख सकते हम लोग और कुर्सी भी लगाइए देख हम बोड़ी जी छिन बिसड़ला कर भेजी भी तो मैं बोड़ी जी तो बिसड़ गाँव में देखो के लिए बिसड़ला के अच्छा ना आंद जान में रस्ता छो ना स्कूल बटन तो बहुत अच्छे लगे अच्छा छुट्टा बचन जमी तो बहुत ही अच्छे लगो जब इंजॉयमेंट कर दूर तो एक समय में आप देखा बिसड़ लगो और एक बटन तो सभी जगह देखे जान लगभग लगभग चैल पैल चिक रोड में और बोलड़े देखो आप ब्लॉग में तो कह नहीं दिखे तो ये सब लोग साइकिल का ना जो ऐसा का पहिया छे मतलब नेट छे वो नेट हट चिकन ये वाला साइड का नेट हट चिकन देख सकता हूँ ये वाला साइड तब यहाँ का ब्रेक इसके ब्रेक नहीं लगेंगे बेटे देखो ठीक करना है मैं तब आपको 10,000 लोग दोस्तों आप देख सकते हैं हम घूमने आए हैं और ये सब देखो हम महेश मामा के फ़ोन से व्लॉग बना रहे हैं। मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ, मैं लुधियाना से आया हूँ ठीक है, और हम ना यहाँ घूमने आए देखो प्लेस देखो आप बिसल्ट गांव के पूरा पास है ठीक है, और हम ना रोड पे घूमने आए थे तो हमें ये मिल गए, हमने इनका ट्राईपॉड उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। ये देखिए ये मिलिए यूट्यूबर भैया से चैल पैल चिक रोड में और बोलड़े देखो आप ब्लॉग में तो कह नहीं दिखे तो ये सब लोग साइकिल का ना जो ऐसा का पहिया छे मतलब नेट छे वो नेट हट चिकन ये वाला साइड का नेट हट चिकन देख सकता हूँ ये वाला साइड
अब ब्याह का ब्रेक, इसके ब्रेक नहीं लगेंगे बेटे। देखो देखो इसे ठीक।